प्रेरणा कथा। नेता कैसा हो? एक बार एक लड़के ने एक वृद्ध पुरुष से पूछा, एक तेज दौड़ने वाला घोड़ा धीरे दौड़ने वाले घोड़े से अच्छा क्यों होता है? वृद्ध पुरुष ने कहा, तेज दौड़ने वाले घोड़े ने ऐसी आदत का विकास कर लिया होता है जिससे वो अधिक शक्ति उत्पन्न कर सकता है, ताकि वो धीरे दौड़ने वाले घोड़ों से ज़्यादा देर दौड़ सके। लड़के ने फिर कहा, और अगर वही घोड़ा किसी गलत दिशा की तरफ दौड़ रहा हो तो? बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, तब तो वो अपनी शक्ति और अपनी ऊर्जा को धीरे दौड़ने वाले घोड़ों से बहुत जल्दी व्यर्थ कर देता। लड़के ने फिर कहा, और अगर अन्य घोड़े भी उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हो तो? बूढ़े ने फिर कहा, तो निश्चय ही वो उन सभी घोड़ों को भी गलत दिशा में ही ले जाएगा। लड़के ने उत्सुकता से कहा, तो फिर क्यों सभी घोड़े तेज दौड़ने वाले घोड़े के पीछे पीछे क्यों दौड़ते हैं? बूढ़े ने कहा, क्योंकि वो तेज दौड़ने वाला घोड़ा उनको आकर्षित करता है, पर वो भूल जाते हैं कि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती है। वृद्ध कुछ देखकर देर रुककर फिर से कहना शुरू किया, अगर इसी तुलना को हम अपने मानव जीवन में उतारते हैं तो हम देखते हैं कि आपके चारों तरफ बहुत से लोग हैं, कुछ धीमे हैं, कुछ बहुत तेज हैं, कुछ तो वास्तव में ही सच्चे नेता होते हैं और कुछ का लोग अंधभक्त होकर पीछा करते रहते हैं। कुछ बातें सोचने योग्य हैं, एक दूरदृष्टा नेता कैसा होना चाहिए, जरा इन बातों पर विचार कीजिएगा। एक, अगर आप जीवन में धीरे हैं या धीरे दौड़ने वाले घोड़े की तरह ही हैं, तो आपको एक ऐसी आदत का विकास करना होगा जिससे आप अधिक शक्ति का अपने चरित्र में उत्पादन कर सकें। आपको अपने लक्ष्य की जानकारी होनी चाहिए, आपको चीज़ों का विश्लेषण हर दृष्टिकोण से करना सीखना होगा, आपको अपने संबंधों को और भी सुदृढ़ बनाना होगा, आपको अपने वचनों पर खरा उतरना होगा, अपनी वाक कला का विकास करना होगा, साहस दिखाना होगा, ध्यान केंद्रित करना सीखना होगा और खुद को और भी योग्य बनाना होगा। दो, अगर आप तेज दौड़ने वाले घोड़े की तरह हैं और आप अपने निर्णय बहुत जल्दी जल्दी लेते हैं, तो आपको खुद से ही हिसाब मांगना होगा और ये पूछना होगा कि क्या आप सही दिशा की तरफ जा रहे हैं कि नहीं। अगर आपका लक्ष्य नहीं है तो जितना भी तेज दौड़ लें कुछ भी हासिल नहीं होगा। याद रखिए, सिर्फ कड़ा परिश्रम करने से ही सफलता नहीं प्राप्त हो जाती है। आपका एक दृष्टिकोण होना चाहिए, एक योजना होनी चाहिए, स्थायित्व होना चाहिए और सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए अपने आप को विकसित करने की कला भी होनी चाहिए। क्या आप किसी नेता के पीछे चलते हैं? क्या आपको पक्का विश्वास है कि आपका नेता सच्चा है? क्या आपको पक्का विश्वास है कि आगे आपका रास्ता बंद नहीं मिलेगा? याद रखिए कि जीवन में यू टर्न भी संभव होते हैं, परंतु यू टर्न लेने या वापस मुड़ने के परिणाम ज़्यादा हानिकारक होते हैं। हर कदम का मूल्यांकन कीजिए ताकि कभी भी यू टर्न ना लेना पड़े। सबसे बड़ी बात है आपका लक्ष्य। अगर आप लक्ष्य को दिमाग में रखकर आगे बढ़ते हैं, फिर गति थोड़ी धीमी होने से भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। किसी भी नेता के अंधभक्त मत बनिए, बहुत से लोगों के विचारों को जानिए और ये मूल्यांकन कीजिए कि उनकी कही गई बातों या उनके द्वारा किए गए वादों में से कितने उन्होंने पूरे किए हैं। वैसे तो किसी से वादा मत कीजिए, और अगर कर ही लेते हैं तो उस वादे को पूरा करने में अपनी जान लगा दीजिए। सपने बेचने वाले तो आपको बहुत मिलेंगे दुनिया में, पर आप सपनों के खरीदार मत बनिएगा। अपने सपने को साकार करने की तरफ बढ़ते जाइए और खुद को ही अपना नेता मानिए। जीवन में वही व्यक्ति सबसे आगे तक जाता है और सबसे अधिक सफल होता है जो खुद का नेता स्वयं होता है और अपने आप से ही प्रतिस्पर्धा करता है। बहुत बहुत धन्यवाद।